हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अपना सपना में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों का लेके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों, आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में सांप का बच्चा यानी छोटा सांप देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं। कुछ अच्छे सपने देखते हैं और कुछ बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम सुबह उठने के बाद उस सपने के बारे में व्याख्या करते हैं या उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र का मानना होता है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वह सपने हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने हमें शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने हमें अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना जाता है सपने में छोटा सांप देखना। दोस्तों, सपने में छोटा सांप देखना यह एक बेहद अच्छा और शुभ सकारात्मक स्वप्न माना गया है। माना जाता है कि अगर आपको सपने में छोटा सांप दिखाई दे तो आने वाले समय में आपका जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें आपकी किसी की मदद प्राप्त होगी, जिससे आपका कार्य क्षेत्र सफल होगा एवं साथ ही साथ आपके परिवार में मेहमान एवं खुशियां की संकेत करती है सपने में छोटा सांप देखना यानी सांप का बच्चा देखना। तो कुल मिला के दोस्तों, सपने में छोटा सांप देखना यह एक बेहद अच्छा और शुभ स्वप्न माना गया है। वहीं स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी हम ऐसे शुभ स्वप्न दिखाई दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावना ही कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।